everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. Profit or loss का आज हम अगला वीडियो देखने वाले हैं, जो कि है फोर्थ नंबर वीडियो. तीन वीडियो प्रॉफिट और लॉस के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन एंड कंसेप्ट देखे थे. आज कुछ न्यू क्वेश्चन एंड कंसेप्ट हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के. तो आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा. एक व्यापारी वस्तुओं की खरीद और बिक्री करते समय हर बार 20% की विसंगति के साथ गलत उपाय का उपयोग करके धोखा देता है. देखो, ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि कोई कस्टमर है, वो क्या करता है, कोई व्यापारी है, वो क्या करता है कि वस्तुओं को खरीदते समय भी 20% का धोखा करता है एंड उन्हें बेचते समय भी क्या करता है, 20% का धोखा करता है. इट मीन्स वो हर बार 20% का प्रॉफिट कमाता है, हर बार क्या करता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है. तो अच्छा, मुझे एक ऐसा व्यापारी का नाम बताओ जो ऐसा कर सकता है कि खरीदते समय भी प्रॉफिट कमा सकता हो एंड बेचते समय भी प्रॉफिट कमाता हो. तो जैसे कभी हम घर में क्या बेचते हैं, रद्दी. तो रद्दी लेने वाला जब आता है तो वो क्या करता है, हमारी वस्तु को कम तोलता है, और वो जब बेचता है तो अपनी वस्तु को ज्यादा करके वो बेचता है. तो हर बार वो दो बार क्या कमाता है, प्रॉफिट परसेंट. क्या कमाता है, प्रॉफिट परसेंट. तो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि वो दो बार 20% का क्या ले रहा है, प्रॉफिट. इन मापों का विशेष रूप से उपयोग करने के कारण उनके लाभ में प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई. तो दो बार 20% की क्या हुई है, उसको प्रॉफिट हुआ है. तो टू टाइम 20% प्रॉफिट करने के लिए हमने कल भी एक ऐसा क्वेश्चन देखा था. सिंपली क्या करेंगे, 100 से 120 अपॉन 100 एंड देन 120 अपॉन 100. 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 0 0. 12 12 जा कितना होता है, 144. मतलब कोई चीज 100 की उसने खरीदी थी एंड 144 की उसने बेची है, तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 44% का. क्लियर है? इसमें दो बार का इंक्लूड है कि उसने खरीदते समय भी प्रॉफिट लिया था एंड बेचते समय भी उसने प्रॉफिट लिया है. तो उसको 100 का सामान पड़ा और कितने में उसने बेचा है, 144 में, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 44% का. क्लियर है? इन क्वेश्चंस को हम नॉर्मली इसी तरीके से करने वाले हैं कि दो बार उसको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है तो प्रॉफिट निकाल दो, और अगर उसे लॉस हो रहा है तो आप क्या निकाल दोगे, लॉस परसेंट. क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कुर्सी तथा एक टेबल का कुल क्रय मूल्य 750 रुपीस है. देखो, एक तो क्या गिवन है, चेयर, एंड एक क्या गिवन है, टेबल. दोनों का टोटल जो क्रय मूल्य, इट मींस टोटल सीपी क्या गिवन है, दोनों का टोटल 750. इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई दो चीजें खरीद के लेके आए थे, उसमें एक थी चेयर एंड एक थी टेबल. दोनों का टोटल कितना देके आए आप, 750. आपको अभी नहीं पता है कि आपने चेयर के लिए कितना पेमेंट किया एंड टेबल के लिए आपने कितना पे किया, लेकिन आपको टोटल पता है कि आपने कितना पे किया है, 750. तथा विक्रय मूल्य समान है, और आपने जब उनको बेचा तो उनका क्या था, विक्रय मूल्य भी क्या था दोनों का, सेम. एसपी भी क्या है दोनों का, सेम. आपने कोई चीज खरीदी है और फिर दोनों को बेच भी दिया है, और दोनों का एसपी आपने क्या लिया है, सेम. कुर्सी को 20% के लॉस पर, जो चेयर है उसको आपने 20% के लॉस पर, इट मींस 80% पर बेचा है, एंड टेबल को आपने 30% के लॉस पर, इट मींस जो टेबल है, इसको चेयर मान लेते हैं हम, टेबल को आपने 30% लॉस, इट मींस 70% पर आपने इसको बेचा है. टेबल का क्रय मूल्य क्या है, अब यहाँ पर टेबल का सीपी आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ. सबसे पहले एक बेसिक तरीका हम देखेंगे, देन इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक भी हम इसका देखने वाले हैं. तो सबसे पहले गिवन है सीपी 750, तो हम चेयर का सीपी मान लेते हैं, चेयर का सीपी हम मान लेते हैं एक्स. तो टेबल का कितना हो जाएगा, टेबल का कितना होगा, 750 माइनस एक्स, ये टेबल का सीपी हो जाएगा, ये दोनों क्या है, सीपी. अब एक को, चेयर को, देखो चेयर को
80% पे उसने सेल किया है तो एक्स सीपी के साथ क्या आता है, प्रॉफिट लॉस ऊपर 100 नीचे, ये क्या है इसका एसपी। अब एसपी दोनों के क्या है सेम, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों को इक्वल। टेबल का एसपी क्या होगा देखो, फर्स्ट में लिखेंगे हम सीपी देन मल्टीप्लाई सीपी के साथ प्रॉफिट और लॉस ऊपर तो 70 एंड नीचे 100। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके जो भी आंसर हमारा निकलेगा, सॉल्व करने पर क्या निकलेगा आपका, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी जो कि क्या होगा चेयर का सीपी होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है टेबल का, तो हम 750 में से एक्स को क्या कर देंगे माइनस, देन हमारा टेबल का क्या निकल जाएगा सीपी। इतना क्लियर है सबको, ये क्या था एकदम बेसिक मेथड था इसको करने का जो हम नॉर्मली 10th क्लास तक यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठोगे तब अगर उसको इस बेसिक मेथड से आप करने बैठोगे देन इट विल टेक टू मच टाइम। तो इसका एक शॉर्ट मेथड हम देखने वाले हैं, वो क्या है देखते हैं। देखो इसको कितने पे बेचा, 20% के हानि पर, एंड इसको बेचा है 30% की हानि पर। तो एसपी क्या था दोनों का, हमने क्या लिया था सेम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मानते हैं चेयर, उसको कितने पर बेचा है 20% हानि, इट मीन्स 80 पर, एंड टेबल को बेचा है उसने 30% हानि, इट मीन्स 70 पर। ये मैंने चेयर मानी है, ये टेबल, दोनों का एसपी हमने क्या कर दिया है सेम, क्योंकि एसपी गिवन है कि दोनों का क्या है सेम है। देखो यहाँ गिवन है विक्रय मूल्य क्या है समान है, तो मैंने यहाँ पर लिखा टेबल 80% एंड चेयर 80% टेबल 70%। अब मैं इनको क्या करूँगी, टेबल को मैं इसके नीचे एंड 70/80, जीरो से जीरो कैंसिल आउट एंड 7/8। अब ये क्या निकल गया मेरा कि चेयर मैंने खरीदी है 7 में एंड टेबल मैंने कितने में खरीदी है 8 में, ये मेरा क्या फाइंड हो गया सीपी। सबसे पहले मैंने एसपी को क्या किया है इक्वल किया है एंड देन मैंने इनका रेशो निकाला, तो क्या निकला 7/8, ये क्या हो गया है सीपी। टेबल का सीपी है 7 एंड चेयर का सीपी है 7 एंड टेबल का सीपी कितना निकला है मेरा 8। टोटल सीपी क्या गिवन है 750, पूछा किसका है टेबल का, तो देखो कैसे निकालते हैं रेशो से, टेबल का पूछा है तो ऊपर लिखेंगे हम 8, नीचे दोनों का प्लस इट मींस 15 एंड मल्टीप्लाई 750, इसको कैंसिल आउट करो 50 टाइम 8 5 40, तो जो टेबल का सीपी है वो कितना आया है 400। क्लियर है इतना, सभी को क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का था कि विक्रय मूल्य क्या गिवन था दोनों का सेम गिवन था एंड सीपी क्या था कम्बाइंड, एक को 20% के लॉस पर दूसरे को 30% के लॉस पर, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया इक्वल, कैसे लिख के इसका 80% एंड इसका 70%, देन उससे हमारा क्या निकला रेशो, वो रेशो क्या होगा सीपी। अब मैंने सीपी को रेशो से क्या कर लिया नॉर्मली फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, इसी तरह का लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हम कुछ देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है देखते हैं। एक गाय तथा घोड़े का क्रय मूल्य 2500 रुपी है। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, एक काओ एंड एक हॉर्स, दोनों का कंबाइंड सीपी अगेन गिवन है 2500। क्लियर है, ये सीपी है। गाय को 18% लाभ पर तथा घोड़े को 27% की हानि पर बेचा गया, वहां भी पहले वाले क्वेश्चन में भी ये गिवन था बेचा गया, एंड इस सौदे में ना तो लाभ हुआ है न ही हानि। देखो पहले क्या गिवन था कि दोनों का एसपी क्या है सेम है, लेकिन यहाँ क्या गिवन है कि ना तो लाभ हुआ है न हानि हुई है, इट मीन्स जितने लाभ पर बेचा गया एंड जितनी हानि पर बेचा गया वो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, ना तो लाभ ही हुआ है ना ही ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो 80% प्रॉफिट 27% लॉस के क्या है इक्वल है, क्योंकि कोई सेंस तो निकला नहीं है। देन हमें क्या करना है, गाय का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एसपी को सेम किया था, उसमें जो परसेंट था उनको
जैसे 18% प्रॉफिट है तो हमने उसको 118 करके लिखा था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है कि 18% प्रॉफिट 27% लॉस के बराबर है, तो हम यहाँ पर 118 ना करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं काओ का 18% एंड हॉर्स का कितना परसेंट, 27%, दोनों क्या है इक्वल। अब यहाँ से हम सीपी फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 27/18 3/2, 9 से कैंसिल आउट किया मैंने, 3/2, तो काउ का सीपी कितना निकला है 3 एंड हॉर्स का सीपी कितना निकला है 2। अब हमें किसका फाइंड आउट करना है, गाय का, तो 3/5 दोनों का प्लस किया एंड टोटल कितना है 2500, इसको कैंसिल आउट करो कितना मिलेगा 1500। इट मींस जो गाय है उसका सीपी कितना निकला है हमारा 1500। क्लियर है सभी को? अगर आपको नहीं भी समझ आया है तो वीडियो को रिपीट करके फिर से आप देख सकते हैं, या इसी तरह के और क्वेश्चन आप किसी भी बुक से परचेज करके लगा सकते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है किस पर बेस्ड है। अच्छा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखो क्या गिवन है, विष्णु ने दो वस्तुएं एक्स और वाई प्रत्येक को रुपये 600 में बेचा। अब यहाँ पर बोला है एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं, उसने इसको भी 600 रुपये में बेचा है एंड इसको भी 600 रुपये में उसने उसको सेल आउट किया है, जिससे वस्तु एक्स पर 20% का प्रॉफिट, इस पर इसे 20% का प्रॉफिट हुआ है एंड वस्तु वाई पर 20% का लॉस, उसकी कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है आपको इसमें, इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है कि आपको जितने का प्रॉफिट एंड जितने का लॉस हो रहा हो सेम, उसमें हम क्या लगाएंगे, एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो देखो 20 का स्क्वायर करेंगे 400/100, तो इसका कितना मिलेगा हमें 4%। 4% क्या है, अच्छा हमेशा क्या होगा लॉस ही होगा, तो लॉस परसेंट कितना निकला 4, तो यहाँ पर लॉस ऑफ 4% क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आज के वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि किस पर बेस्ड है, एलिगेशन पर। देखो एलिगेशन वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, एक व्यापारी ने 640 केजी चावल खरीदा, उसने 640 केजी क्या खरीदे हैं, राइस खरीदे हैं, चावल का एक भाग 20% के प्रॉफिट पर एंड शेष 5% के लॉस पर बेचा है, उसने पूरे लेन देन में 15% का लाभ अर्जित किया है। देखो उसने कुछ भाग को तो 20% का प्रॉफिट, इट मीन्स क्या लिखेंगे 120 एंड 5% लॉस, इट मीन जो दूसरा भाग है वो 95% पर उसने बेचा है और पूरे लेन देन में उसे क्या हुआ है 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 115। इतना क्लियर है? आगे पूछा है 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा का 5% के लॉस पर 5% के लॉस पर बेची गई मात्रा से अनुपात कितना है। देखो अब ये बोल रहा है कि उसने इनको कितने रेशो में मिलाया था, ठीक है, मतलब उसने जो 20% का प्रॉफिट पर है वो कितने राइस बेचे एंड 20% के प्रॉफिट पर एंड 5% के लॉस पर उसने कितने चावल बेचे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं हम, ये क्रॉस में क्या करेंगे, माइनस 120 में से 115 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा इधर हमें 5 एंड 115 में से 95 माइनस करेंगे देन हमें इधर क्या मिलेगा 20। तो इनका रेशो हम फाइंड आउट करेंगे, 5 4 20 एंड 5 1 5, क्या आंसर मिला हमें 4:1। तो क्वेश्चन भी क्या गिवन है, मात्रा से अनुपात कितना है, रेशो हमसे पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 4:1। क्लियर है सभी को? अगर आपसे यहाँ पर क्वांटिटी पूछता कि ये कितनी है, देन हम अगर इसका पूछता तो कैसे निकालते, 4/5 × 640 एंड अगर ये वाला रेशो हमसे पूछा होता देन 1/5 × 640, ऐसे करके हम चावल की मात्रा भी यहाँ पर क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे।
क्लियर है सभी को? आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और जो मेरी वीडियो के अपलोडिंग का टाइम है वो भी आप याद कर लीजिएगा, रोज 4 PM पे ये वीडियो आपको मैथ्स का मिलेगा। तो देखते रहिए, थैंक यू, बाय बाय।